कहाँ कर रहे हैं? मैं वीडियो बनाऊँ दिखाऊंगा तो वो इतने पानी हुआ मंडी की दुर्गति हो रखी है। देखो ये देखो ये रामचंद्र को देखो, आ जाओ मंडी को देखने के बाद में कैसे मंडी के बुरे हाल हो रखे है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। यहाँ पे पीले चावल बना रही हूँ, सोयाबीन मैंने लेके आ गई हूँ और मेरे सोयाबीन ले आई हूँ, आलू काट लिए, चावल लेके आई हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, जब मैं कोई काम करती हूँ ना, बर्तन धोती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, मेरा पेट पे ही सूट गंदा होता है और गीला होता है। किस किस के साथ है मुझे ज़रूर बताना। चावल लिए हैं, पक्के वाले हैं क्योंकि इनके गैस बनती है, सब कुछ तैयार कर लिया, बस इनको तड़का ही लगाना है। सोयाबीन को फ्राई कर लिया है और बस गर्मी लग रही थी, क्या बनाए क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला इसको चावल ही बना लेते हैं। बर्तनों को वो प्लेट में अच्छे से चावल धुलते नहीं, तो फिर मैंने बोला ऐसे करके धो लेती हूँ, भगोने में अच्छे से धुल जाएंगे, गंदगी होती है ना। और अभी तो आप लोग पता है, कल हमारी गली में हरी सब्जी वाले बेचने आए थे, पढ़ना यहाँ नाले का पानी बड़ा गंदा है और अभी तो हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, अभी तो मत खाइएगा, बरसात में तो बहुत ज़्यादा होती है, ज्यों को कहीं चिपके हों तो। इसलिए बस आपको मैं डरा नहीं रही, बस अपने मन की बात कह रही हूँ। चावल मैंने छौंक दिए हैं, चावल बनते रहेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, आपने जो रात आगे क्लिप देखा स्टार्टिंग में, उसमें पटाखे चल रहे हैं बहुत सारे, ये रात के 2 बजे का क्लिप है, आपने देखा होगा। मच्छरदानी के अंदर से वीडियो बना रही, मुझे आँख खुली तो मैंने वीडियो बना ली। तो मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में जहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जिन अंकल जी के घर से, वो रिटायर हो गए हैं, तो इस खुशी में मतलब वहाँ पर पार्टी थी, तो वहाँ मतलब हमारे घर के मैं उन्होंने यही दुकान खोली है, काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको दिखाया भी था, तो उनकी रिटायरमेंट हुई थी, तो उनके लड़के सब खुश थे, मतलब सब वही है कहते नहीं है पैसा बहुत, मतलब रिटायर हुए तो बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिला है, वैसे तो ऐसे ही सब है मिला होगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश भी है वो लोग। तो बस यही है कि सब आजकल आपको पता ही है, सब पैसों का खेल है, कौन बाप कौन बेटा आप लोग तो समझ सकते। ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी एक जैसे हैं, सभी बेटे बेटियाँ एक जैसे हैं, पर जहाँ तक है वह यहाँ देख रही हूँ वैसे बता रही हूँ मैं, तो बस अभी तक तो सब सही है। अंकल जी तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे थे, आप लोगों को मैंने बताया भी था, लॉकडाउन में अंकल जी ने बहुत ज़्यादा मदद की थी, वो अंकल जी जैसा कोई भी नहीं है। तो दुखे दिन बीते रे भैया, अब सुख आए रे, इसका मतलब ये है 2 दिन से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है और मेरा ना बहुत दिमाग खराब, वाईफाई नहीं मोबाइल का नेट नहीं चल रहा है, वीडियो बहुत लेट अवे जा पाती है, तो मैंने बोला अब तो लगवा ही दो वाईफाई, तो बोल रहे थे, वैसे बोल तो रहे थे कि आज मैं उसको बोल के आऊँगा, इतनी मलाई निकली है इतने से क्या करूँगी, दही में डाल दूँगी, तो ये देने गए किस्त, बोला इतने टाइम तक अपना सारा काम फ्री कर लियो, मैंने अच्छा मशीन बन जाऊँ क्या, तो मुझे नहीं पता कुछ भी बन जा, काम फ्री कर लेना चलो। और मैं ना ऐसे ना अपना जो सॉफ्ट चैनल है उस पर वीडियो डाल ही नहीं पाती हूँ, और क्योंकि ना नेट नहीं हो पाता इस वजह से, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बहुत वो लगता है, तो चलो फटाफट से काम कर लूँ, नहीं तो आ जाएंगे फिर गुस्सा करेंगे। और मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी कम्युनिटी पे डाल दी थी, आप लोग और प्रीति डालती तो हो नहीं, ऐसे ही बोल के रह जाती हूँ, तो मैंने डाल दी है वहाँ पे। और मैं ना अपने शॉर्ट चैनल, किस किस को मेरे शॉर्ट चैनल के बारे में पता है आप लोग बताना, 5,000 में कुछ कम है शायद, मैंने यहाँ पे नहीं बताया उसको, खुद से ही मैंने किया था, एक दो वीडियो चल गई थी इस वजह से, तो मैं उसकी भी डाल दूँगी, आप लोग उसको भी देखना। शॉर्ट वीडियो में डालना चाहती हूँ ये हेयर स्टाइल, नए नए हेयर जो ट्रेंडिंग में चलते हैं इंस्टाग्राम पे चलते हैं, उनको देखे कि यूज़फुल है या नहीं है, हम आम लोग कर पाते हैं नहीं, ये सब भी डालती थी, मिनी ब्लॉग भी डाल लेती हूँ, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं, नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब देखो कब चलता है नेट। और हाँ आप लोग बोल रहे थे कि मोनिका को अपने घर बुलाओ, मोनिका को अपने घर बुलाओ,
तो मैं मोनिका को अपने घर नहीं बुलाना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि मोनिका को बुलाओगे तो देखिए खर्चा मतलब उनको दे अच्छा खासा देना पड़ेगा। शिवम जी आएंगे, पहली बार आएंगे तो देखिए अच्छे से विदा होनी चाहिए, तो अभी सही नहीं है समय। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा रुक के बुलाऊँ और अच्छे अच्छे से गिफ्ट वगैरह अच्छा सा अच्छी सी विदा करूँ। तो ये है मेरी सोच, अभी थोड़ा सा ऐसे गाँव शादी वगैरह से आए हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे बच्चों का एडमिशन वगैरह बुक वगैरह लेके आए, तो अभी हाथ टाइट है। मोनिका ने बोला मैं आऊँ बहन, मैंने बोला नहीं अभी नहीं बहना, क्योंकि बहन को तो सब बता ही सकते हैं। मैंने बोला मोनिका ऐसे ऐसे बात है अभी मत, मम्मी ने भी यही बोला कि प्रीति अभी मत बोला। तो ये रीज़न है। आप लोग कल ना पूछ रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, कॉल आई थी एक दो जनों की, उनसे मैं बात करती हूँ, तो मैंने बोला आप लोगों को बता दूँ। तो चलिए काम कर लूँ, नहीं तो आ जाएंगे। और ना बहुत कुछ है, अभी नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बाद में, अभी तो काम कर लें। तो आप लोगों से बातें करने के बाद और वहाँ की सारी चीज़ें मैंने बता दी। मेरी बात किसी को बुरी भी लगी, किसी को वो भी लगी, पर सच्चाई तो यही है। और उन तो के बारे में तो जानते नहीं है, पर ये तो मैं ज़रूर जानती हूँ। आंटी भी अच्छी थी, अंकल भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लॉकडाउन में बहुत मदद की थी सभी किराएदारों की। उनके लिए बस यही चाहती हूँ, अब रिटायर हो गए हैं, अब उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीते, उनके बाली बच्चे जो लड़के उनका खूब अच्छे से सेवा करें, और मुझे लगता है उनकी सेवा होगी, क्योंकि जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। चलिए बात को ख़त्म करते हैं। अरवी रखी थी 1 किलो के लगभग, अब क्या करूँ, रोज़ रोज़ एक सब्ज़ी खाना तो पसंद नहीं आता है। तो मैंने अरवी को उबाला, ज़्यादा पानी में नहीं उबाला, क्योंकि अरवी एकदम ज़्यादा उबल जाती है ना तो एकदम मिक्स हो जाती है, थोड़ा ही उबाला, टाइटर ना मतलब कच्ची रहे ना ज़्यादा उबले, ऐसे रखा। फिर मैंने बेसन लिया, बेसन में अरवी को आपने देखा कैसे लपेटा, फिर इसे फ्राई किया, बहुत आसानी तरीके से ये फ्राई हो जाती है, गोल्डन ब्राउन होते तक इसे फ्राई करें। देखिए सब्जियां तो और नहीं है, यही है, पर अलग अलग तरीके से बनाएं तो पेट भी भरता है और अच्छी भी लगती है, पेट ना भरे तो अजीब सा लगता है। तो देखिए मैंने सारा इनको ब्राउन कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी बारी की भी मैं फ्राई कर लूँगी। आधी अरवी रख दी है, और सब्जी बनाते बनाते देखिए कैमरा कहाँ पहुँच गया, जैसे मेरी बातें पहुँचती। करो करो गई वाईफाई की, मैं फट से फोन लेके आ गई सब के साथ। ऐ का कह दी वाईफाई की, फिर से करो, मेरे से कर लो। अच्छा करो, अब आए ना तो मुझे बता दे, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। हेलो हेलो हेलो, आ जाओगे तो भैया, वाईफाई लगवानी थी यार, मैं वाईफाई लगवानी थी। देखो बुक खर्चा कितना आएगा, है कितना आएगा, वाले में 2500 वाला, 25 जो 2500 वाला है उसमें कितने से मिलेगा वो वाईफाई। तो यहाँ पे सारी अरवी को फ्राई कर लिया, उसी तेल में थोड़ा सा तेल निकाल दिया, उसी में डाला मैंने मेथी दाना। मेथी दाना अच्छा लगता है मुझे, मतलब पहले कड़वा लगता था, अब नहीं, अब कड़ी वगैरह में फूल जाता है ना तो अच्छा लगता है। मैंने प्याज लहसुन काटा, बारीक बारीक काट लिया था, मतलब पेस्ट नहीं बनाया था। सूखी मिर्ची डाली, तब तक मैंने वंशु से कहा वंशु कड़ी पत्ते बेटा मुझे ला दो, वंशु ने मुझे कड़ी पत्ते ला के दिए। तब तक मैंने ये दही लिया, कटोरी में आधी कटोरी दही है, उसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए, हल्दी मिर्ची धनिया गरम मसाला दही में ही मिक्स करने, इस तरीके से थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है, यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और अरवी को जो ज़्यादा बड़ी है उसको इस तरीके से काट लेना है ध्यान से, अरवी काफ़ी ज़्यादा गर्म थी पर मसाला पक गया था, मुझे तो काटनी ही थी, पर आप थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। और अब इसको चलिए तड़का देते हैं। वो तेल उधर तैयार है, मेथी भुंज गई है, कड़ी पत्ते आ गए, इसमें मैंने कड़ी पत्ते डाले हैं, और अब दही वाला पेस्ट डाल देंगे, बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, पता नहीं चलेगा आपने ये अरवी की सब्ज़ी बनाई है ये किस चीज़ की, पेट भर जाएगा, बच्चों को खुशी भी होगी। और मेन चीज़ क्या है, आज अब स्कूल खुल रहे हैं तो
नई नई डिशें बच्चे खुश हो जाएं, खा लें तो अच्छा लगता है। देखिए मसाला कितना सुंदर लग रहा है, अभी पक जाएगा तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अभी कच्चा है, मसाला पक गया, अरवी को डाल दिया मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, गीली नहीं बनानी है मुझे, मतलब ना गीली ना सूखी, लिमिट की बनानी है। ये देखिए इतना, अब इसको थोड़ी देर खदकने देंगे, उसके बाद हमारी सब्जी है रेडी हो जाएगी। गैस को ऑफ़ कर देंगे, पराठे बनाऊंगी। ये देखिए सब्जी गैस ऑफ़ कर दी है और कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी अच्छी है। का ऑलमोस्ट ये कितने तरीके की गिनती है, एक मैथ्स में, एक हिंदी में, एक संस्कृत में। अच्छा तीन पर, तो ये तीन तरह की है और भी, और दूसरे तरफ इंग्लिश में नहीं, फिर इसमें तो ड्राइंग बनेगी, जैसे कि एक है तो एक पेड़ बनेगा, दो है तो दो कमल। अच्छा ये देखो, ये क्या मंसू? सोलर सिस्टम। ये क्या है सर? ये मर्क्यूरी। और वो बुक बनाई थी, वो क्या कहते हैं, मेमोरी बुक। ये हॉलीडे होमवर्क, छुट्टियों का स्कूल का काम, गिराओ मत चीज़ें। ये खुल तो अच्छा ऐसे, वो योगा वगैरह बनाए हैं वो, एक ये बनाया, ये क्यों हटा दिया? ये वाला गलत बन गया था, इसमें संस्कृत मैंने लिखा। टिफिन वगैरह लेने चल रही है, बंसू का होमवर्क दिखा दो। ये देखो मेहनत करिए तो दिखाना तो पड़ेगा। क्या लिखा है बंसू, पढ़ के सुना? समर हॉलीडे मेमोरी बुक। अच्छा ये क्या लिखे दिया है, बंसू की राइटिंग कैसी बताना? हाँ समर वेकेशन में आई लव माई स्कूल। मैं, मेरे को सिर्फ 2 मंथ हुए हैं पर मैंने लिखा है, बस 2 दिन हुए हैं मेरे को, और उसके बाद मैं रेड फोर्ट की, मतलब लाल किला, तो उसके आगे रेड फोर्ट की जानकारी अबाउट रेड फोर्ट। ये योगा करते हुए, हाँ राइटिंग कैसी बताना बंसू की है। ये कौन कौन है? वो मैंने लिखा था ना कि मैं वो विलेज गई थी ग्रैंडपा ग्रैंड दादी के पास, तो फिर मैंने ये अपना बना दी दादा दादी। पर हम तुम्हारे तो दादा दादी है ही नहीं, कोई बात नहीं ऐसे ही बना दिया। चलो और कुछ हो गया? और कुछ फर्स्ट एड। हाँ दिखाओ फर्स्ट एड बॉक्स, दिखाओ फर्स्ट एड बॉक्स में भी सामान नहीं रखा है। देखा, हाँ ये देखो, ये खोल के दिखाओ, इसको लिखने में बहुत टाइम गया होगा। मुझसे बोला मम्मी थोड़ी मदद कर दो, मैंने बोला मुझसे तो नहीं होगा। और एक ये लोगों के बारे में है, हाँ ये फ्रीडम फाइटर्स के वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और ये क्या है? ये है विटामिन ए, विटामिन बी से क्या होता है, मतलब डिस। और ये क्या है? मैथ्स की रंगोली जिसमें शेप्स बताए जाते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड कोन। और वो वाला ये जिसमें भी रंगोली है, इसमें सामग्रियों के नाम लिखने थे। अच्छा इतना सारा ये होमवर्क, बहुत खर्चा हुआ तो बना रही हैं। मुझे इतनी ज़्यादा आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, घड़ी देख रहे हो, दिया बाती करने जा रही थी सोना वंशिका ने की, सोना गई है, वंशिका गई ट्यूशन, और ना मैं ना थोड़ी सी बिक्स लगा रही हूँ, ये ना आइडिया मेरी सासू माँ करती थी, वो लगाती थी, इससे आँख मतलब बहुत ज़्यादा मेरी आँखें वैसी हो रही हैं, जब मैं आराम ना करूँ, रेस्ट ना करूँ, कोई टेंशन हो तब। देखा ज़्यादा नहीं बस चिकनी चिकनी, मेरा ना नंबर बढ़ते हैं ना तब मुझे दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब इससे ना मुझे आराम मिल जाएगा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो खुल नहीं रही है, चश्मा का पता नहीं कब बन पाएगा खराब, ठंडक सी लग रही है। आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पता नेट नहीं चल रहा था, मेरे घर वाईफाई नहीं है, मेरा कल वीडियो नहीं जा पाया, कल का मतलब परसों नहीं जा पाया था, आज मैंने पूरी दोपहर ही वीडियो डाला है। एक मिनट, अब ठीक लग रहा है, चाय बनाऊंगी। बंसी सोना हो गई पूजा, रहने दो।
अब हट जाओ, अब हटो, हटता नहीं। ये हालत होती है, इतने मेरे नंबर बढ़े हुए, इतनी मेरी आई साइट वीक है, जब आंखों में दर्द होता है, किरकिराती तो ऐसे ही नंबर बढ़ जाता है। चलो जा रही हूँ, बेड एड थोड़ा सा सही करना, इनसे बोला था, इन्होंने किया नहीं, मैंने बोला मैं तो दिया। ये ऐसे होता है, देखो पूरा पड़ा हुआ है। चलो रेडी भी क्या हो, अब थोड़ा सही लग रहा है। चलो काम करते हैं, घड़ी में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, शाम का झाड़ू वाड़ू लगाना था, वो तो हो गया है, फोन आ रहा है बहन का।